देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और आपको दिखाते हैं हम सबसे पहले बिहार के अहमदाबाद की तस्वीरें, जहां प्लस टू इंद्रावती हाई स्कूल में ये टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते दिखाई दिए। हमने वैक्सीनेशन ले ली है और वैक्सीनेशन लेने से बहुत तरह का अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे आदमी भी ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए लेना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग लिए तो कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे थे वैसा ही हो रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबको वैक्सीन ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 28 दिन के बाद फिर हम लोग को वैक्सीन लेना है। वहीं अहमदाबाद के PHH के डॉक्टर जय कुमार का कहना है कि ये टीकाकरण बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, इससे उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी और अगर इस दौरान किसी भी बच्चे को कोई साइड इफेक्ट होता है तो तुरंत उसका निवारण भी किया जाएगा। अभी 15 साल से 18 साल तक चल रहा है अभी, ठीक है, इसमें सब लोग टीकाकरण लेना है 15 साल से 18 साल का, उन लोग का तो और इम्यूनिटी बढ़ेगा, इसके वजह से उन लोग आगे कोरोना का चक्कर में नहीं होगा इसमें, ठीक है, अच्छा से चलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, कोई साइड इफेक्ट कुछ भी होगा तो हम लोग आके यहाँ दवा उसके लिए हम लोग इमरजेंसी के लिए रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अच्छा से आके ले सकता है। वहीं बिहार के आजमनगर में भी 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम काफी जोर पकड़ता दिखाई दिया, जहां आर के उच्च विद्यालय में टीकाकरण की शुरुआत उद्घाटन से की गई, जिसमें वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार मिश्र व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंकर दयाल सिंह, आर के हाई स्कूल के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार साह ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। इनके अलावा सुभाष चंद्र दास, BHM अविनाश कुमार, BCM पंकज कुमार, विकास कुमार, परवेज आलम एवं शिक्षकों में तेज नारायण बोसाक, मोहम्मद अबू इमामा, M सारिक माधव आनंद, पंकज कुमार सहित दर्जनों अधिकारी भी इस अभियान में उपस्थित दिखे। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार के द्वारा तुरंत 15 साल से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण के लिए दवाई मुहैया कराई गई है, जिसके लिए प्रखंड क्षेत्र के सिर्फ दो विद्यालय आर के हाई स्कूल आजमनगर तथा उच्च विद्यालय सालमारी का ही चयन किया गया है। लेकिन जैसे जैसे बिहार सरकार द्वारा वैक्सीन की व्यवस्था की जाएगी तो धीरे धीरे अन्य स्कूल के बच्चों को भी टीकाकरण किया जा सकेगा। आजमनगर से जयप्रकाश भगत के साथ शशि कुमार, न्यूज लाइव कटिहार।